तो जय हिंद बच्चा लोग, जय हिंद जय हिंद जय भारत और जय जवान जय किसान जय विज्ञान। विज्ञान के कारण ही आज हम लोग मिल रहे हैं। और इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक बेस्ड ऑन द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इन प्रीवियस लेक्चर we discussed about the electrostatic potential due to point charge. In today's lecture we will discuss about the electrostatic potential due to second wala kya tha, yaad karo, dipole, clear na? To yahi hamari journey chalegi ki hum log point charge ka potential dekh liya aur ab hum dipole ka dekhne wale hain. To aaj hamara 2.4 jo topic hai uska naam hai इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं क्योंकि डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। अब ये समझते हैं जो प्रीवियस लेक्चर है उसका इसमें थोड़ा सा यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सो दैट वी हैव टू रिमेंबर। ओके, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 1/4π ε0 इंटू क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, क्लियर है? के क्यू बाई आर ये आना चाहिए, देन एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सो दैट वी हैव टू रिमेंबर दिस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नाउ बच्चा लोग, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनता है? देखो डायपोल का, तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल डायपोल बना दिया। वर्टिकल डायपोल यानी कुछ नया नहीं है, डायपोल को वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ये डायपोल का सेंटर, ये डिस्टेंस ए लिया, तो ये डिस्टेंस ही ए हो जाएगा क्योंकि दो पोल्स जो है उनके बीच का डिस्टेंस 2a होता है, ये सेंटर है। इसको नाम मैं दे देता हूँ ए और इसको नाम दे देता हूँ बी। बोलो क्लियर डायपोल? हाँ के ना बच्चों, मैसेज करो क्लियर हुआ ना? ये डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, आता है आप लोगों को? ये पहले पढ़ चुके चैप्टर नंबर 1 में। अब हम क्या बात कर रहे हैं ध्यान से समझो, माइनस और प्लस उसकी डायरेक्शन में हम लोग डाइपोल मोमेंट लिखते हैं। क्या डाइपोल मोमेंट आपको पता है चैप्टर 1 की? क्यू इंटू टू ए। क्या होता है बेटा? क्यू इंटू टू ए। क्या होता है? क्यू इंटू टू ए, क्लियर ना? बिल्कुल हाँ। तो यही है हमारी डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू टू ए। अब इसके आसपास पोटेंशियल कितना? तो हमने जब चैप्टर 1 में पढ़ा था तब हमने देखा था कि एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड इक्वेटर ऑफ द डाइपोल, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर पॉइंट चार्ज, बट उसके बाद के पी, याद है ना पूरा 2kp, kp, पूरा बड़ा ब्रैकेट, फिर ग्रेटर देन ग्रेटर देन, सारे इक्वेशन हमने देखे थे, बट दो पॉइंट पे देखे थे, एक्सिस एंड इक्वेटर। और फिर रैंडम पॉइंट पे भी मैंने बताया था कि इनके अलावा, इनके अलावा अगर कोई पॉइंट हो तो किस तरह से फाइंड करना है। इसी तरह से इसमें डायरेक्टली हम लोग रैंडम पॉइंट की बात करेंगे, उस पे से हम लोग एक्सिस और इक्वेटर का इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। तो पहले हम रैंडम पॉइंट की बात कर लेते हैं। कौन से पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा? रैंडम, ठीक है। अब वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। अब वो पॉइंट डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से मान लो वो पॉइंट पी आर वेक्टर पोजीशन पे या आर दूरी पे है। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पॉइंट। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? About the point which is placed at the R position with respect to the center of the dipole, which is placed
at r position with respect to center of the dipole, and the angle between the moment, dipole moment P, and r vector is theta. Okay, तो ये है information about the point at which we have to find out the electrostatic potential due to this dipole. Okay, now consider two thing here about the point. The point is placed at the r position with respect to the origin, the dipole, and second thing, the angle between the dipole moment and the r vector is theta. Okay, ये दो बातें समझनी हैं क्योंकि यही इक्वेशन में हमें लानी रही है. ओके, अच्छा दूसरा हमें क्या क्या पता है? हमें डाइपोल की सारी इंफॉर्मेशन पता है और पॉइंट पी कहाँ है वो इंफॉर्मेशन पता है. समझ में आ रही है? डाइपोल की इंफॉर्मेशन क्या है? उसका चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों पोल के चार्ज पता है, उनके बीच की दूरी 2a है ये पता है, डाइपोल की मोमेंट पी वैक्टर है ये पता है. क्लियर? वी हैव टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द डाइपोल एंड अबाउट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, theta angle and r distance. Okay, now what we have to do, we have to find out potential at P. Now there is a long process bolte hain, lambi duri ka ghoda hai, char mar ki thi ye to lambi to rahegi, but maine isko ek logically char step mein divide kar. बढ़िया, सिंपल आपको आ जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग एक जो बॉड है वो नॉर्मली भर देते हैं, जो देसी तरीका है आपको आए. पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा? तो वी वन मैं उसको नाम दे देता हूं. ये पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज के कारण क्यू अपॉन डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? आर वन. तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बेटा? आर वन. बोलो समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? क्यू अपॉन आर होता है, पर यहाँ पे डिस्टेंस पता नहीं था इसलिए हमने सपोज कर लिया आर वन. बिल्कुल क्लियर. दूसरी स्टेप में हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, वी टू इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पी, वी टू इज इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस. तो यहां से डिस्टेंस कितना पता नहीं, तो हमने क्या मान लेना है? आर टू. हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? आर टू. खत्म. यस और नो? बिल्कुल. ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज. और हमें प्रीवियस लेक्चर में पता है कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है? KQ upon R. जो वैल्यूज थी यहाँ पर हमने सपोज किया आर वन एंड आर टू, वो भी हमने रखी और आंसर लेके आए. अब ये बात बताइए, आपको एक टीचर ने होमवर्क दिया, दूसरे ने भी दिया, तो आपके पास टोटल होमवर्क कितना हुआ बेटा? एक टीचर ने भी होमवर्क दिया, दूसरे ने भी दिया, तो टोटल होमवर्क कितना हुआ? तो पोटेंशियल, और वी कैन से टोटल पोटेंशियल एट पी. आप बोलोगे सर पहले टीचर ने दिया प्लस दूसरे टीचर ने होमवर्क दिया, वो हुआ टोटल होमवर्क, यानी पहले का पोटेंशियल प्लस दूसरे का पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल. इसका इक्वेशन के क्यू अपॉन आर वन, इसका माइनस के क्यू अपॉन आर टू. ठीक है, अब क्या कॉमन आ रहा है? तो सेम है, बाहर निकाल लो. के क्यू इंटू द ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये आपका बन गया आंसर, इक्वेशन नंबर वन. समझ में आ गया कि नहीं? ये तो आपको आना ही आना है, ये तो आपको आना ही आना है बेटा, इसको तो आपको समझना ही समझना रहता है. ये तो सर हमें आता है, सिंपल ट्रिक है. हाँ के ना बोलो, मैसेज करो क्या सिंपल ट्रिक थी? बिल्कुल सर, बहुत ही इजी है ये तो.
दोनों का फाइंड किया और दोनों का ऐड कर दिया, और क्या किया? कुछ नहीं किया। अब क्या आप सेटिस्फाइड हो इस इक्वेशन से? यस और नो? क्या आप सेटिस्फाइड हो इस इक्वेशन से? यस और नो? ना, हम सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सर इस इक्वेशन में जो हमने सपोज किए हैं R1 R2 वो आ रहे हैं, और ये तो नेचुरली क्वेश्चन में दिए ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो R P Q 2A और ये चीज का ये दिए थे, ये तो आपने जरूरत पड़ने पे सपोज किए। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो सर क्या ये इक्वेशन हम फाइनली लिख सकते हैं? मैंने कहूंगा नहीं भाई, क्योंकि जो पता ही नहीं है वो इक्वेशन में कैसे होगा। इसीलिए अब जो नेक्स्ट स्टेप्स आएंगी, जो चार स्टेप, वो चार स्टेप इन दो की वैल्यू फाइंड करने के लिए बनाई गई। NCERT ऐसी कोई स्टेप्स हमें अलग से प्रोवाइड नहीं करती है, बट उसी में से मैंने अलग अलग पार्ट बना के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझनी है और उसको फिर याद रख लेना। फॉर बोर्ड्स एंड फॉर जी एंड नीट यू हैव टू रिमेम्बर द फाइनल आंसर ड्यू टू ए पोटेंशियल ड्यू टू दैट। ओके, लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेला बच्चा, लेला लेला जल्दी जल्दी ले लो फटाफट। ले लिया? यस। चलो तो इसको हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत है, इसको यहाँ रख देते हैं संभाल के, क्योंकि लास्ट में वापिस चार स्टेप कंप्लीट करने के हम लोग यहीं आएंगे। तो टोटल पोटेंशियल एट पी वी बराबर के क्यू कॉमन 1/R1 - 1/R2, ये हमने क्या बनाया है? इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हटाएंगे। क्यों सर हटा क्यों रहे वो? क्योंकि ये तो आपको आ गया है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको क्या बताने वाला हूं? अब मैं यहां पे थोड़ा सा स्टेप्स लिख देता हूं। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग, कुछ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना था? के क्यों तो पता है, क्या फाइंड करना है? 1/R1 and 1/R2। मैंने आपके लिए इस तरह से लिखा हुआ है, आपको बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे नहीं लिखना है, ये आपके लिए नोट्स टाइप हो सकता है, ठीक है? चलिए तो समझते इसको किस तरह से हम लोग समझने वाले हैं। तो जो बेटा पहली स्टेप है, स्टेप नंबर वन क्या है वो देखते हैं, ये समझते हैं। स्टेप नंबर वन कि सबसे पहले आपको यूजिंग कोसाइन रूल, फाइंड R1² and R2² पहली स्टेप ये है, आपको कोसाइन रूल यूज करना है। कोसाइन रूल क्या है ये बता देता हूं। एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, अब अगर आपको कोई एक साइड फाइंड करनी है तो वो रूल आता है बेटा कोसाइन। तो कैसे फाइंड करते हैं? देखो, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, जो दूसरी दो साइड है उनके स्क्वायर का एडिशन, माइनस 2BC कॉस। बी और सी के बीच का एंगल क्या है? ए। समझ में आया बेटा? दिस रूल इज कॉल्ड कोसाइन। समझ में आ गया कि नहीं? यस, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मुझे बी स्क्वायर फाइंड करना होता तो बी के अलावा दो साइड है उनका स्क्वायर, स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू सी कॉस,
उन दो साइड के बीच का एंगल, ए और सी के बीच का एंगल, या स्मॉल बी के साइड सामने वाला एंगल, स्मॉल बी के सामने बी स्क्वायर, सॉरी बी कैपिटल बी, नॉट बी स्क्वायर, बी के सामने कैपिटल बी एंगल, समझ में आया। इसी तरह सी स्क्वायर भी लिख सकते हो ना बेटा, इसी तरह से सी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं सर। यस बिल्कुल 101% लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी करो। डन यस और नो? यस डन। बाकी है मैं अभी हटा देता। ओके okay. वही कोसाइन उंगली यहां पे लगेगा, आपको आर वन स्क्वायर निकालना है। आर वन स्क्वायर में इस ट्राइंगल की बात करो, आर वन स्क्वायर तो इन दो साइड का स्क्वायर का एडिशन, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू आर ए कॉस थीटा। क्या मैंने सही लिखा बेटा? यस और नो? क्या सही लिखा? यस। आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू आर ए इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। बस आर वन आ गया ना, तो आर टू तो उसके जैसा ही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा कॉस थीटा वाली टर्म में थोड़ा सा चेंज होगा। चलो आर टू स्क्वायर के लिए ये ट्राइंगल आ जाएगा बी ओ पी, यहाँ ए ओ पी था ये बी ओ पी। आर टू का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉपी पेस्ट माइनस टू आर ए कॉपी पेस्ट कॉस आर और ए का, यानी आर टू के सामने वाला एंगल ये वाला टोटल पाई होगा, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पाई माइनस थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग? पाई माइनस थीटा, ओ सॉरी कॉस तो रह गया, कॉस पाई माइनस थीटा, कोसाइन रूल है और कॉस ही छोड़ दिया मैंने। अच्छा पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। अब बताइए यहां पर हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो यहां पे ऑल एस टी सी ये कुछ आ रहा है, ऑल एस टी सी यहां पे पाई, और ये है पाई माइनस, यानी क्लॉक वाइज पाई माइनस थीटा। पाई में से थोड़ा सा एंगल निकालोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? साइन वाले में, जिसमें साइन और उसका उल्टा यानी कॉसेक, यस वो पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पे कॉस है, जो कॉस रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस साइन आ जाए। फिर आपको चेक करना है कि फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं, तो आपको पता है, आपको पता है फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है, इसलिए क्या है? पाई है इसलिए, तो यहाँ पे कॉस ही रहेगा और एंगल है थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या लिखा जाएगा बच्चों? माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे हमारा जो आर टू का इक्वेशन बन जाएगा, एक तो ये बन गया आर वन का, अब दूसरा आर टू का। मैं यहां पे डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बोर्ड के लिए स्टेप में जाना है। ठीक है, तो यहां पे आर टू का स्क्वायर फाइनली आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया बेटा? क्या ये भी समझ में आया? हाँ, कई बच्चों को ऑल एस टी सी अगर पता नहीं है तो वीडियो देखो या नोट्स को देखो कि भाई सर ने क्या नोट्स करवाई है। करवाई है ना? यस, सारी चीजें करवाई हुई है। वो समय जाता है तो थोड़ा याद नहीं रहता, ऐसा हो जाता है, फिर उसको रिवीजन कहते हैं ना। और हम लोग क्या करते हैं, देखो तरीका देखिए, छुट्टी होती है ना, छुट्टी क्या होता है, जैसे कि संडे, तो सोसाइटी में संडे का मतलब ये हो चुका है अभी
मॉडर्न सोसाइटी में एंजॉयमेंट डे जो वेस्टर्न कल्चर से आ रहा है, बट रियलिटी व्हाट इज संडे, व्हाट इज संडे, सन का दिन यानी सूरज का दिन, यानी आपको सूरज के जैसे, सन के जैसे ब्राइटर होना है. फॉर ब्राइटनेस, फॉर इम्प्रूविंग द ब्राइटनेस, अगर आप डायमंड हो तो आपको घिसाई करनी पड़ेगी खुद की अच्छे से, रिविजन करना पड़ेगा अच्छे से, इसीलिए उसको संडे बोला जाता है. हाँ, ये मेरी डेफिनेशन अलग से. रिविजन डे, यस डेफिनेटली, और वी कैन से इम्प्रूवमेंट डे. ओके, और इसके अलावा ये डे कहाँ होता है, तो देखो हर दिन मॉर्निंग में आप 7:30 को स्टार्ट कर रहे हो या 8:30 को स्टार्ट कर रहे हो आपका जो लेक्चर है, उससे पहले आप आधे घंटे का आपका सेल्फ जो क्लीनिंग है उसके लिए टाइम निकाल दीजिए, और बाकी के एक दो घंटे और बचाइए, और वो दो घंटे रिवीजन करिए, यानी 5 o'clock इन द मॉर्निंग खड़े हो जाइए और 5 to 5:30 अपना काम फिनिश करिए, फिर 5:30 जो है आप रिवीजन करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, रीडिंग करिए, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट डे नेक्स्ट लेक्चर्स की मिलती जाए. तो ये अपना तरीका बनाओ. सब लोग कह रहे हैं कि संडे एंजॉय करना है, तो वो आपके लिए नहीं, क्यों, क्योंकि आपने गोल बनाया है और वही गोल के लिए जो रिक्वायर्ड है वो आप कर रहे हो, और उसी में आपकी एंजॉयमेंट होना चाहिए. असल में एंजॉयमेंट का मतलब ये है कि आप खुश रहो. आपको पता है आपका जो फ्यूचर का गोल है उसके रिगार्डिंग अगर काम हो रहा है तो आप खुश हो. मान लो मैं यहाँ पढ़ाने के अलावा टाइम पास करूं तो आप खुश नहीं, दुखी होगे, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है उसके लिए मैं इस समय काम नहीं कर रहा. तो इसी तरह से आप अपने फ्यूचर के लिए एवरी मोमेंट ऑफ योर टाइम यू हैव टू यूज, यूटिलाइज, ओके, सो दैट बी कॉन्शियस. हाँ, हमेशा समय का उपयोग करना जानिए. अगर समय मैनेज नहीं हो रहा है तो मैनेज मत करो, वो होगा भी नहीं. आप सिर्फ प्रोसेस पे फोकस कीजिए. गोल अचीव करना है, प्रोसेस पे फोकस कीजिए. मैनेजमेंट ऑलरेडी आपके अंदर है और आ जाएगा. आपसे नहीं हो रहा है ऐसा मत सोचो. किसी से पहली बार तो सभी से नहीं होता है, पहली बार नहीं, कई बार ट्राई करने के बाद भी नहीं होता है, बट वो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली रूटीन में आ जाता है. जैसे हम लोग 7:30 से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो कई बार लेट भी तो होते हैं ना थोड़ा थोड़ा, पर 7:30 को स्टार्ट कर देना, फिर उसमें चाय पीना रह गया या कुछ काम करना रह गया, वो रह गया, समझ रहे हो? यस. तो ये ध्यान रखो बेटा, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको एंजॉय करना है ये प्रोसेस. क्या एंजॉय करना है? ये प्रोसेस, समझ रहे हो ना बेटा? यस और नो? यस, बिल्कुल क्लियर ना मेरी बातें? थोड़ी अजीब लगेंगी, काम न करना इज नॉट एंजॉयमेंट. आप देखो तो आपकी बॉडी हमेशा काम करती रहती है. आप ऐसा सोचते हो कि काम न करना एंजॉयमेंट है. मान लो आपकी बॉडी है वो एक दिन ऐसा सोचे कि आज मैं हार्ट को थोड़ा आराम दे दे, सोचो आज के दिन हार्ट का संडे है, हार्ट काम नहीं करेगा, यानी आप आसपास से जो बातें मिल रही हैं उनसे अपना लॉजिक मत सेट कीजिए. आप बॉडी और नेचर जो रियलिटी में है जिससे हम बने हुए हैं उसके बारे में, उसका नेचर बिहेव कैसा है कर रहा है वो देखिए, वैसे आपको चलना है. ठीक है, चलो आइए हम आगे चलते हैं, ये तो बातें होती रहेंगी, बट ये बातें मोटिवेशन की जरूरी है बच्चों, क्योंकि कई बार हम अपने हिसाब से या आसपास के एवरेज 10 or 20% का जो थॉट है उसको गेन करते हैं और अपनी लाइफ डिजाइन करते हैं. ना, यू आर यूनिक.
आप यूनिक पर्सन हो, आपकी लाइफ आप अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए, जो उसमें रिक्वायर्ड है वो आप डालिए, जो मिलता है आसपास से वो नहीं डालना है, जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो डालना है, खाने में भी ऐसा ही करना है, सभी चीज। अब क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्टेप वन, स्टेप टू भी कर देते हैं भाई। देखो दोनों सेम है, सिर्फ कॉस वाली टर्म में यहाँ माइनस है या कॉस वाली टर्म में प्लस हो गया, क्योंकि पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया इसलिए। अब सेकंड स्टेप देखिए, टेक आर स्क्वायर एज कॉमन एंड यूजिंग ए लेस देन आर, पुट आर ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली जीरो। ये दो काम आपको करने हैं। देखो सबसे पहले आपको आर वन को आर स्क्वायर को कॉमन निकालना है, तो आर वन स्क्वायर का जो इक्वेशन है उसमें से आपको आर स्क्वायर को कॉमन निकालना है। तो आर स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, मैसेज करो, यहाँ क्या बचेगा, क्या बच रहा है? आर स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो यहाँ वन प्लस, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस टू आर अपॉन आर स्क्वायर यानी ए बाय आर कॉस थीटा। क्लियर? एक मिनट रुकते हैं बच्चों। चलो बच्चों, सैनिटाइजिंग प्रोसेस चल रही है सोसाइटी में, तो हम सोसाइटी में रहने लगे। अच्छा, सैनिटाइजिंग प्रोसेस चल रही है इसलिए थोड़ा सा आवाज बन रहा है। ओके, नेक्स्ट आर टू स्क्वायर, इसमें से अगेन आर स्क्वायर निकाल लो, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए बाई आर बचेगा कॉस थीटा। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि जहां कॉस है सिर्फ वही साइन का डिफरेंस आ रहा है, बाकी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ कि ना, यस और नो? यस। अब देखिए, हियर ए लेस देन आर सो दैट ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली जीरो, लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए से आर बहुत बड़ा है तो उसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा आएगा और ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, छोटे के नीचे डिवाइड में बहुत बड़ी वैल्यू तो 0.00000 आंसर आएगा, यानी उसको हम अप्रोक्सीमेटली जीरो कर देंगे। यस और नो? यस, समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या लिखेंगे इसका यूज करके, आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट वन माइनस टू ए बाई आर कॉस थीटा, एंड आर टू का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट वन प्लस टू ए बाई आर कॉस थीटा। क्या बच्चों समझ में आई मेरी बात? ये वाली, इन दो में से सिर्फ ये दोनों जीरो कर दो, बाकी जो बचा वो लिख दो। समझ में आया कि नहीं, मैसेज करो बच्चों। समझ में आया बच्चों? यस। यस और नो? जल्दी जल्दी, ये सिंपल है ना, इसको जीरो नहीं करना है क्योंकि ये बहुत छोटा नहीं होगा, पर ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, 0.00001 या कुछ ऐसा आंसर आएगा, तो आंसर इसका जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, ये ए बाई आर। इजी। चलो दो स्टेप हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी की दो कर देंगे फटाफट। एक द स्क्रीनशॉट। हो गया। अब स्टेप थ्री देखो, स्टेप थ्री क्या है, बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई है। स्टेप थ्री में आपको चाहिए क्या भाई? अब चाहिए क्या आपको? वन अपन आर वन निकालना है, ये तो आपने आर वन स्क्वायर निकाला, तो वन अपन आर वन निकालने के लिए पहले आर वन तो थी,
आर वन चाहिए इसीलिए आपको टेकिंग टेक स्क्वायर रूट एंड पहले स्क्वायर रूट एंड रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट लो फिर उसको उल्टा कर दो क्योंकि आपको आर वन अपन आर वन चाहिए तो ये तो आर वन स्क्वायर है तो पहले आर वन बनाओ फिर उसको उल्टा कर दो ओके तो आर वन इसका हो गया रूट फिर उसको उल्टा यानी वन अपन आर वन क्या बच्चों समझ में आया वन अपन आर इधर आर स्क्वायर का रूट आर और उसका उल्टा वन अपन आर इंटू द ब्रैकेट इस पूरी टर्म का रूट यानी पावर हो जाएगी वन बाई टू और उसका उल्टा यानी वो वन बाई टू वाला जो टर्म है वो पूरा नीचे जाएगा डिनोमिनेटर पर हम डिनोमिनेटर में न लिखे तो क्या करना पड़ेगा बताओ यहां पे देखो वन माइनस टू ए बाई आर कॉस थीटा इसको मुझे वन बाई टू करना है और डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है तो क्या पावर कर देनी है माइनस वन बाई टू यस राइट आंसर सिमिलर प्रोसेस इन दिस सेम टू सेम कॉपी पेस्ट बेटा कोई नई बात नहीं है बट cos थीटा वाली जो साइन है वो उल्टी आएगी सिर्फ बस सेम इसके जैसा ही कॉपी देखो इसमें भी वही होगा इसमें भी वही सेम है पर सिर्फ cos थीटा वाली साइन यहां पे उल्टी रहेगी ये हो गई हमारी स्टेप नंबर थ्री दो काम एक साथ स्क्वायर रूट और रेसिप्रोकल स्टेप फोर लास्ट स्टेप अब लास्ट स्टेप में आपको ये जो माइनस वन बाई टू पावर है इसको निकालना है तो अगेन हम लोगों ने जो स्टेप टू में किया वही यहां पे करना है टू और फोर में थोड़ा सा सेम टू सेम रहता है थोड़ा सा सेम टू सेम रहता है टू और फोर में फोर में क्या रहता है ये देखो फोर में बहुत बढ़िया बात होने वाली है फोर में बहुत क्योंकि हमें फाइनल आंसर नहीं एंड पॉइंट का है एंड गेम चल रही है एवेंजर्स एंड गेम हो रही है अब एंड गेम पे रहता है अब एंड गेम में क्या है थेनोस आ रहा है थेनोस आ रहा है थेनोस अपना हथौड़ा मारेगा पर यहाँ पे जो थेनोस है वो थेनोस नहीं है वो बाइनोमियल है कौन कौन है बाइनोमियल ओके तो यहाँ पे हम लोग हियर आर इज लेस देन ए ओ नॉट ए इज लेस देन आर देन यूज बाइनोमियल थियोरम यानी बाइनोमियल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने थियोरम बनाया है कि अगर वन प्लस और वन माइनस के बाद वाली टर्म बहुत छोटी हो तो एक एक्सपांशन सीरीज उन्होंने बताई है बट उस एक्सपांशन सीरीज में जो टर्म है इसका स्क्वायर फिर क्यूब फिर फोर पावर फिर फाइव पावर यानी हाई ऑर्डर पावर होती जाएंगी आपको चिंता नहीं करनी उसे तो अगर ए आर ए से बहुत ए आर से बहुत छोटा है तो ए बाई आर बहुत छोटा हो गया ऐसा कह सकते हैं अगर ए बाई आर छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा उसका क्यूब और भी छोटा यानी हायर ऑर्डर टर्म्स हमें नहीं लिखी है तो यहाँ पे शॉर्टकट तरीका ये है मैथ्स वालों के अलावा मैथ्स वाले तो ये जानते हैं बात बट बायो के लिए मैं शॉर्टकट तरीका ये बताता हूं जो माइनस वन बाई टू पावर है उस पावर को बीच में मल्टीप्लाई करो बस हायर ऑर्डर इग्नोर हो गई ठीक है ऐसा लिख दो तो ये वन माइनस है पर ये अंदर यहां पे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस वन बाई टू इंटू टू वन और बाकी जो बचा वो ए बाई आर कॉस थीटा क्या समझ में आया बेटा माइनस वन बाई टू को यहां पे मल्टीप्लाई करना है तो टू टू कट माइनस का प्लस बाकी बचा वो लिखा सिमिलरली वन बाई आर टू वन अपन आर वन यहां पे माइनस वन बाई टू यानी माइनस ए बाई आर कॉस थीटा बचेगा क्या बच्चों क्लियर चार स्टेप खत्म और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर बिल्कुल तरीके से आ गया
बिल्कुल तरीके से आ गया। बोलो समझ में आई चार स्टेप? चार स्टेप बिल्कुल क्लियर ना। पहली स्टेप यूजिंग कोसाइन रूल फाइंड आर वन स्क्वायर एंड आर टू स्क्वायर। सेकेंड स्टेप टेक आर स्क्वायर एज कॉमन एंड मेक ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अप्रोक्सीमेटली, दो हो गया। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप ये लिखा हुआ है टेक स्क्वायर रूट एंड रेसिप्रोकल, तो ये मिल गया। एंड फाइनली यूज बाइनोमियल थ्योरम, बिकॉज ए इज लेस देन आर देन यू कैन यूज बाइनोमियल सिंपल लॉजिक फॉर बायोलॉजी मल्टीप्लाई द पावर हियर। सब ओके, पावर को यहां लेके आ जाओ, खत्म। यू विल गेट द बाइनोमियल एक्सपेंशन, और यहां पे एक्सपेंशन लिखना नहीं क्योंकि हायर ऑर्डर जीरो हो जाएंगे। धन ना बेटा, अब क्या करना है? अब ये इसमें रखना है और आंसर लाना है। स्क्रीनशॉट लो, फिर रखते हैं और आंसर लाते हैं। जल्दी 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 करो बेटा। डन के नहीं, डन ओके। अब यहाँ ओ इसको रखते हैं ना, इसको रखेंगे तो पता तो होना चाहिए ना, वन अपन आर वन वन अपन आर टू। यहाँ पे स्टेप्स खत्म हो गए चार ओके। फिर वापिस आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, वी इजिकल्स टू क्या लिखा जाएगा? वन अपन आर वन माइनस वन अपन आर के क्यों। अब वन अपन आर वन जो हमने ऑप्टेन किया वो लिखने वाले हैं। वन अपन आर वन हमने क्या ऑप्टेन किया है वो लिख रहे हैं, बट थोड़ा सा कॉन्शियस रह के लिखते हैं। दे 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 दनादन नहीं करना है, वी हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज इन दोनों की टर्म्स में आप देखो वन अपन आर इज कॉमन, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे बाहर, और जो बचा वो लिख रहे हैं अंदर। वन अपन आर वन में ये टर्म बचेगी तो लिखता हूं वन प्लस a by r cos theta माइनस वन अपॉन आर टू वाले में ये टर्म बचेगी क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, तो ये टर्म आएगी, बट यहाँ पे माइनस है इसीलिए यहाँ पे दोनों की जो साइन है चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस वन और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a by r cos theta। सिंपल मैथ्स है, इसको याद नहीं रखना है, सिंपल क्या है बेटा मैथ्स है। क्या बच्चों वन वन कट हो गया, देखो क्या मिलेगा के क्यू बाई आर इंटू द ब्रैकेट ए बाई आर कॉस थीटा प्लस ए बाई आर कॉस थीटा, सेम सेम टर्म का एडिशन यानी ट्वाइस हो जाएगा टू ए कॉस थीटा बाई आर, ठीक है। अच्छा अब क्या करा जाएगा, बस अब सिंपल जो बन रहा है वो बनाए जाइए बनाइए जाइए, खाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। तो भाई के क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, कुछ पढ़े हुए हो बताइए क्या होता है क्यू इंटू टू ए, क्या होता है ये तो कुछ जाना पहचाना लगता है। यस डाइपोल की मोमेंट होती है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। फाइनल आंसर जो इतना लंबा थियरी चला उसका फाइनल आंसर ये आता है कि e cos theta upon r square। सिंपल सिंपल है ना, चार स्टेप फॉलो करने बच्चों, एंजॉय करना है, करना तो है। देखो गाड़ी चला रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि सर हमको जाना ही जाना है तो उसको एंजॉय कीजिए ना, क्यों दुखी हो हाँ? किसने कहा है, किसने कहा है? यस एंजॉय करते जाओ, चार स्टेप लगाते जाओ, स्टेप को समझते जाओ, यही तो काम करना। आप कोई मूवी देख रहे हो उसको समझ ही नहीं रहे हो, उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे हो, तो फिर चाहे वो बाहुबली हो या मूंगफली हो सेम रहे, कोई फर्क नहीं, आप अपने हिसाब से उसको एंजॉय कीजिए। यस एंजॉय एवरी मोमेंट ओके। तो ये समझ में आ गया बेटा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आपको इसमें भी कुछ शॉर्टकट दिखेगा,
अगर आप दुखी हो ये क्यों आ रहा है, ये क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं दिखेगा। देखो इसमें भी हम कुछ देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो थोड़ा सा समझते हैं इसको शॉर्टकट बनाते हैं। इसको मैं पीके लिख सकता हूँ, हाँ अपॉन आर स्क्वायर, इससे क्या शॉर्टकट बन गया, शॉर्ट ट्रिक बन गई। ट्रिक क्या बनी समझे, एक बंदा है फिजिक्स में या मैथ्स में जिसका नाम कॉस थीटा है। अब वो कॉस थीटा ने थोड़ी पीली तो पीके कॉस थीटा रोड पे दो बार गिरा। समझ में आया किसी को, हो तो समझ में आएगा, नहीं हो दुखी हो, अरे यार क्या ये नया फिर आया, नया नहीं मजा आया। यस पीके कॉस थीटा, हालांकि अच्छी बात नहीं है रोड पे गिरना, अच्छी बात नहीं, डबल बार। यस पीके कॉस थीटा रोड पे डबल बार गिरा तो क्या हुआ, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। समझ में आया, पीके कॉस थीटा रोड पे दो बार गिरा तो आपको मिल गई इक्वेशन किसकी, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब थोड़ा सा चलना है आगे और देखिए, घबराना नहीं है बेटा, मजेदार बात होने वाली है। क्या बेटा आप वेक्टर p डॉट r कैरेट कर सकते हो, वेक्टर p डॉट r कैरेट कर सकते हैं कैसे, a डॉट b क्या करते थे, ए बी कॉस थीटा, तो p वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा p, r कैरेट का वैल्यू यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1, और cos उनके दोनों के बीच का, उनके दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, तो cos थीटा ठीक है। ये क्या लिखा गया बेटा, p cos थीटा, यानी यहाँ पे कुछ यूनिक हुआ कि p cos थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, a वेक्टर p डॉट r कैरेट अपॉन r स्क्वायर। क्या समझ में आया ये वाला इक्वेशन भी बेटा, ये भी समझना है और ये भी याद रखना है। समझ में आया क्या, कि वेक्टर p डॉट r के रेट p cos थीटा होता है, ये तो प्रूव हो गया ना, क्योंकि p और r के रेट उन दोनों के बीच का, r के रेट यानी इसकी डायरेक्शन, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, यस और नो। चैप्टर 4 11th स्टैंडर्ड, a डॉट b इज इक्वल्स टू AB cos theta, A dot B is equals to AB cos theta, उसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा। अब यहाँ पे क्या देखा आपने भाई, और पॉइंट चार्ज, आप क्या कहते थे, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, बट फॉर डाइपोल आप कहोगे V इज प्रोपोर्शनल टू 1/, जल्दी से घटे भाई r स्क्वायर, दिस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r आल्सो, कौन जल्दी घटेगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये जल्दी घटेगा, वैसे बोलोगे बट फॉर r ग्रेटर देन 1 ये जल्दी घटेगा, r ग्रेटर देन 1 के लिए धीरे धीरे डिक्रीज होगा, यानी 1/r ऐसे बनाओगे तो 1/r स्क्वायर ऐसे बनेगा, ज्यादा तो होगा ठीक है, ये 1/r स्क्वायर से ये 1/r, बट r ग्रेटर देन 1, r लेस देन 1 के लिए उल्टा हो जाएगा, ये बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा, ठीक, ये तो आपको मैंने कल बताया था, इसलिए कोई डाउट नहीं है। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, बिल्कुल इसका स्क्रीन शॉट ले लो, और हम लोग अब एक्सिस और डाइपोल की बात भी कर देते हैं, क्योंकि लास्ट बात वही इसमें होनी बाकी है। चलो जल्दी करो, चलो बच्चे हो गया, पीके कॉस थीटा रोड पे दो बार गिरा, एपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यह शॉर्टकट है, कॉस थीटा एक डिप्रेशन या पागल या बुरा इंसान मान, उसने किया पीके रोड पे दो बार गिरा, कौन गिरा था बेटा, कॉस थीटा, इसीलिए हम इक्वेशन याद रखेंगे इक्वल्स टू AP cos theta अपॉन स्क्वायर। अब
हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा चाय पे चर्चा नहीं, हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हम प्रधानमंत्री नहीं, हम कॉमन मैन, हम चाय पे चर्चा नहीं करेंगे, हम किस पे चर्चा करेंगे, टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो डाइपोल की एक्सिस आपको दिख रही है, मैंने ड्रॉ कर दी, और ये डाइपोल का इक्वेटर। मान लो ये जो पॉइंट पी है वो एक्सिस पे हो, तो एक्सिस पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। मान लो ये पॉइंट यहां है जिसको हम पी वन बोलते हैं, यहां आ गया। तो देखो अभी की स्थिति क्या है, ये जो उंगलियां हैं, मैं वो वेक्टर की डायरेक्शन बताता हूं, ये पी और ये आर। अगर ये पॉइंट एक्सिस पे आ जाए इस जगह, तो एंगल कितना बन जाएगा बताओ, पी और आर के एंगल थीटा है। अगर ये पी इधर आ गया पी वन की जगह, तो एंगल कितना बन गया, जीरो। यस, तो यहां पे मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू पी वन के लिए, पी वन के लिए थीटा इज इक्वल टू जीरो। और यही अगर एक्सिस पे पॉइंट इधर होता पी टू की जगह, तो पी टू के लिए थीटा क्या लिखते हैं आप बताओ। तो आप लिखोगे, देखो ये पी है और ये आर, अब इधर पी टू इधर है, तो मैं ऐसे घुमा के ऐसे आऊं, तो एंगल कितना हुआ पी और आर के बीच में, ऑपोजिट हो गए दोनों, 180। यस, थीटा इज 180 डिग्री। अब बी क्या लिखा जाएगा, एक्सिस पे थीटा जीरो हो तब कॉस जीरो क्या मिलेगा, वन। तो आप लिखोगे प्लस के पी अपॉन आर स्क्वायर व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब थीटा इज इक्वल टू 180 है बेटा, तो कॉस 180 कितना होगा, माइनस वन। तो माइनस वन यहां पे आ जाएगा, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यस, इन दोनों को कंबाइन करके सिर्फ एक्सिस पे लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, प्लस और माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। जब आर अलोंग द पी हो तो प्लस, एंड आर अपोजिट टू द पी हो तो माइनस। समझ में आ गया। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो किसके लिए रहेगा बेटा, इक्वेटर के लिए रहेगा। When we are discussing about equator, then you all know यहाँ पे बेटा क्या एंगल है, थीटा पी और आर। अगर इक्वेटर पे पॉइंट यहाँ पे आता है मान लो, तो क्या होगा, एंगल 90। यहाँ चला जाए तो मान लो प्लस 90 या माइनस, यानी या 270। ऐसे अगर ऐसे घुमा रहे हो तो ये 90, तो फिर ऐसे घूम के इधर आया तो 270। पर उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्यों, थीटा या तो 90 डिग्री होगा या 270, पर उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि v क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बेटा, क्योंकि cos 90, cos 90 और 270 दोनों जीरो होते हैं। इसका कंक्लूजन ये होता है, इक्वेटर पे पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा। इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना, आगे याद करवाऊंगा और एक टॉपिक में ये यूज करेंगे हम लोग। बट अभी के लिए इतना ही याद रखो, इक्वेटर पे जीरो और एक्सिस पे प्लस और माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है। सिंपल ना, तो ये 4 मार्क की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से।